ब्रेक डाउन लेन। कहानी की शुरुआत में हम किरवी नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो एक मॉल से कुछ स्नैक्स खरीद कर कहीं जाने वाली होती है। तभी उसके पास डी नाम की एक लेडी पहुंचती है, जो उससे हेल्प मांगती है और उसे अपनी वैन में ले जाती है, जहां पर किरवी देखती है कि उस लेडी का हस्बैंड किसी वायरस से इन्फेक्टेड है और इस समय उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है। इसीलिए वो डी से एम्बुलेंस को कॉल करके उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। इसके बाद वो अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाती है। फिर जब रास्ते में किरवी अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है, तो उसके फोन का सिग्नल चला जाता है और क्योंकि वो काफी तेज गाड़ी चला रही थी, इसीलिए एक पुलिस ऑफिसर उसकी गाड़ी को रोक लेता है और उसका लाइसेंस चेक करके उसे $500 का फाइन लगाता है। लेकिन किरवी ये फाइन नहीं देना चाहती थी, इसीलिए वो ऑफिसर उससे 1 घंटे रेस्ट करने के बाद ड्राइव करने के लिए कहता है, साथ ही नेक्स्ट टाइम स्पीड लिमिट में गाड़ी चलाने के लिए कहता है। लेकिन जब किरवी सोकर उठती है तो उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, इसीलिए वो कार की कंपनी में फोन करती है, जहां पर उसकी बात मैक्स नाम के एक आदमी से होती है, जिससे किरवी अपनी गाड़ी के बारे में बताती है और उससे मदद मांगती है। इस पर मैक्स उससे कहता है कि हम तुम्हारे पास हेल्प भेज रहे हैं, लेकिन तुम्हें वहीं पर रुककर हमारी टीम के पहुंचने तक इंतजार करना होगा। इसीलिए किरवी उनका इंतजार करते करते सो जाती है, लेकिन सुबह उठने के बाद भी उसे आसपास कोई भी गाड़ी दिखाई नहीं देती। इसीलिए वो दोबारा मैक्स को कॉल करती है और उससे हेल्प के बारे में पूछती है। वो बताता है कि मैंने इस बारे में पिछली रात ही ऑर्डर दे दिया था, लेकिन ये काफी अजीब बात है कि तुम्हारे पास कोई भी हेल्प नहीं पहुंची है और अब मैं दोबारा अपनी टीम से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरा किसी से भी कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है। इसीलिए तुम्हें किसी से लिफ्ट ले लेनी चाहिए, हमारी टीम गाड़ी के लोकेशन पर पहुंचकर तुम्हारी गाड़ी को ठीक कर देगी। लेकिन किरवी उसे बताती है कि मुझे यहाँ पर आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद किरवी खुद ही गाड़ी ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो इस चीज में पूरी तरह से नाकाम रहती है। तभी उसे अपनी तरफ एक आदमी बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जो इन्फेक्टेड होकर पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी में बदल गया था। इसीलिए किरवी काफी डर जाती है और उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है। लेकिन जब वो ज़ॉम्बी उस पर दोबारा से अटैक करने की कोशिश करता है, तो किरवी डरकर अपने हाथ में लिए हुए टूल से उसके सर पर अटैक करके उसे गिरा देती है, लेकिन इसके बावजूद वो ज़ॉम्बी दोबारा उठ खड़ा हो जाता है। ये देखकर किरवी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वापस से अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। फिर वो मैक्स को कॉल करके इस बारे में बताती है। तभी देखते ही देखते बहुत सारे ज़ॉम्बीज किरवी की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। हालांकि ये जानकर मैक्स किरवी को शांत रहने के लिए कहता है और बताता है कि मुझे पता चला कि हमारे आसपास कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है, इससे लोग पागल हो रहे हैं, इसीलिए तुम्हें गाड़ी के अंदर ही रहना चाहिए। उसी समय वहां पर एक ज़ॉम्बी हंटर की टीम आ जाती है, जो किरवी के देखते ही देखते उन ज़ॉम्बीज को बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं। इसके बाद उस टीम का कैप्टन किरवी के पास पहुंचकर उससे पूछता है कि तुम यहां पर क्या कर रही हो। इस पर वो कहती है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मैं यहाँ पर हेल्प का इंतजार कर रही हूँ। इस पर कैप्टन उसे बताता है कि यहाँ पर कोई भी हेल्प नहीं आ रही है। इसके बाद ज़ॉम्बी हंटर्स टीम के सभी लोग रात बिताने के लिए वहीं पर रुक जाते हैं। इस दौरान वो किरवी से भी खाने के लिए पूछते हैं, जिसके लिए वो तैयार हो जाती है। लेकिन फिर वो देखती है कि वो लोग ज़ॉम्बीज को बहुत ही बेरहमी से खा रहे होते हैं। ये चीज उसे पहले तो काफी घिनौनी लगती है, इसीलिए वो खाने से साफ मना कर देती है, लेकिन भूख लगने की वजह से वो तैयार हो जाती है। इस दौरान वो उन लोगों से पूछती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर तुम लोग भी ज़ॉम्बीज को खाने की वजह से उनकी तरह ही एक ज़ॉम्बी में बदल गए तो क्या होगा। इस पर टीम का लीडर बताता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि हम तभी बदल सकते हैं जब कोई ज़ॉम्बी हमें काटे। इसी वजह से हम सभी साथ में एक टीम बनाकर रहते हैं, जिससे एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सकें। इसके बाद केट उनसे पूछती है कि क्या तुम लोगों को पता है कि ये सब कैसे शुरू हुआ। इस पर इस चीज के लिए टीम का लीडर साफ मना कर देता है और कहता है कि जब मैं अगले दिन सोकर उठा तो चारों तरफ ये इन्फेक्शन फैल चुका था, इसीलिए मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। खैर, जब उन लोगों को पता चलता है कि किरवी सिटी की तरफ जा रही है, तो वो उसका मजाक उड़ाने लगती हैं और कहते हैं कि शहर पूरी तरह से ज़ॉम्बी से भरा हुआ है, इसीलिए वहां पर कोई भी जिंदा नहीं बच सकता। इसके बाद टीम का लीडर किरवी को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस चीज के लिए साफ मना कर देती है, जिस पर वो कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, और फिर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिससे किरवी उस पर उसी की गन से अटैक कर देती है। हालांकि ये देखकर टीम के बाकी लोग उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो एक एक करके उन लोगों को भी शूट करके मार देती है। लेकिन जब वो आखिरी बचे हुए आदमी को मारने की कोशिश करती है, तभी गन की गोलियां खत्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से किरवी उस आदमी के सर पर लगातार अटैक करके उसे वहीं पर मार देती है।
ये सब कुछ देखकर टीम का लीडर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद किर्वी वापस से अपनी गाड़ी में पहुँचती है और सुबह होते ही पैदल ही शहर की तरफ बढ़ने लगती है, क्योंकि उसे अपने बॉयफ्रेंड विंसेंट की बहुत ही ज़्यादा फिक्र हो रही थी। हालांकि मैक्स उसे ऐसा करने से मना करता है और समझाता है कि जॉम्बीज रास्ते में कभी भी उस पर अटैक कर सकती हैं, इसीलिए उसका बाहर जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। लेकिन इस बात पर किर्वी कहती है कि यहाँ पर मेरी हेल्प के लिए कोई भी नहीं आने वाला, इसीलिए यहाँ रुकने पर भी मैं मारी जाऊंगी, इसीलिए यहाँ मरने से अच्छा है मुझे आगे बढ़ना चाहिए। इस पर मैक्स उसे गाड़ी के साथ ही आगे बढ़ने के लिए कहता है, जिस चीज़ के लिए वो तैयार हो जाती है, क्योंकि गाड़ी होने पर वो किसी जोम्बी के अटैक करने से पहले ही छुप सकती थी। इसके बाद किर्वी गाड़ी के साथ ही आगे बढ़ने लगती है और धक्का देकर अपने साथ ही ले जाने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा पानी पी रही होती है और क्योंकि उसका पानी भी ख़त्म होने वाला था, इसीलिए मैक्स उसे थोड़ा थोड़ा पानी पीने के लिए कहता है। फिर किर्वी मैक्स से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। इस पर वो बताता है कि मेरी एक वाइफ और एक बेटा भी है, जो कि मेरे पड़ोसी के साथ एक शेल्टर में सेफ हैं और मेरे लिए यही काफ़ी है। इस दौरान किर्वी इस बात से भी काफ़ी परेशान थी कि बैटरी ख़त्म होते ही वो मैक्स से भी बात नहीं कर पाएगी, लेकिन मैक्स उसे अभी इस बारे में सोचने के लिए मना करता है। फिर कुछ दूर आगे बढ़ने पर किर्वी को उसी पुलिस ऑफिसर की गाड़ी दिखाई देती है जो उसे मिला था, लेकिन उस गाड़ी में उसे कोई भी दिखाई नहीं देता और वो गाड़ी भी पंचर थी, इसीलिए किर्वी गाड़ी में लगी रेडियो से हेल्प मांगने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता, इसीलिए वो अपनी गाड़ी में वापस आ जाती है। तभी उसके पास विंसेंट गलती से वीडियो कॉल कर देता है और क्योंकि उसे इस बारे में जानकारी नहीं होती, इसीलिए वो इस दौरान किसी दूसरी लड़की के साथ था। हालांकि ये देखकर किर्वी को काफी दुख होता है। तभी उसके देखते ही देखते विंसेंट और उसके साथ मौजूद लड़की पर ज़ॉम्बीज अटैक करके उन्हें बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं। नेक्स्ट सीन में किर्वी के पास एक बूढ़ा आदमी पहुंचता है जिसने कई सारे ज़ॉम्बीज को अपना पेट बना रखा था। इस दौरान वो आदमी किर्वी की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है और बताता है कि मेरा घर यहाँ से कुछ ही दूर पर है जहाँ तुम्हें खाना मिल सकता है। हालांकि किर्वी उससे कहती है कि मेरे पास इन सब चीज़ों के बदले तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन वो आदमी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि सभी सर्वाइवर एक जगह रहें ताकि मिलकर ज़ॉम्बीज का सामना कर सकें। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी अपने पेट ज़ॉम्बीज को किर्वी की गाड़ी से बांध कर गाड़ी को खिंचवाता हुआ अपने घर तक ले आता है, जहां पर किर्वी खाना खाती है और शावर लेकर उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचती है। वो देखती है कि वो अपने पेट ज़ॉम्बीज को खाना खिला रहा है। इस बात से किर्वी काफी हैरान होती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि इन ज़ॉम्बीज के अंदर फीलिंग होंगी। अब इस चीज को प्रूफ करने के लिए बूढ़ा आदमी वहां मौजूद एक ज़ॉम्बी पर लगातार अटैक करके उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है, और क्योंकि इस दौरान वो बहुत ही ज्यादा दुखी दिख रहा था, इसीलिए किर्वी उसे भी अपने साथ शहर चलने के लिए कहती है। लेकिन वो इस चीज़ के लिए साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता, इसीलिए तुम्हें जो भी चाहिए वो मेरे घर से लेकर जा सकती हो। इसके बाद किर्वी खाने का कुछ सामान लेकर अपनी गाड़ी से वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, इसीलिए वो पैदल ही आगे बढ़ने का फैसला करती है। तभी वो बूढ़ा आदमी भी खुद को गन से शूट करके सुसाइड कर लेता है। नेक्स्ट सीन में जब किर्वी आगे बढ़ रही होती है तो उसे रास्ते में डी मिलती है, जो कि पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी, और क्योंकि वो किर्वी पर अटैक करने की कोशिश कर रही होती है, इसीलिए किर्वी उसके सर पर पत्थर से अटैक करके उसे बहुत ही बुरी तरह से मार देती है। इसके बाद वो डी की वैन में पहुंचती है और मैक्स को कॉल करके बताती है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आ रही हूँ, इसीलिए तुम तैयार हो जाओ। तभी वैन में छिपी हुई डी की बेटी किर्वी पर अटैक करके उसे काट लेती है। हालांकि किर्वी उस लड़की को मार देती है और इन्फेक्शन को रोकने के लिए अपने कटे हुए घाव को जला देती है। फिर वो बैन की हेल्प से टाउन के एक मॉल में पहुंचती है और वहां पर खुद का बैंडेज करती है। इसके बाद वो गन शॉप में पहुंचकर ज़ॉम्बीज का सामना करने के लिए तैयार हो रही होती है। तभी उसे बाहर गन चलने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वो बाहर आती है और देखती है कि वहां पर ज़ॉम्बीज हंटर की टीम का लीडर गन की हेल्प से ज़ॉम्बीज को मार रहा है। हालांकि इस बात से वो काफ़ी हैरान होती है कि लीडर घायल होने के बाद भी बच गया था। उसी समय लीडर का ध्यान भटकने की वजह से उसे एक ज़ॉम्बी काट लेता है। इससे वो किर्वी से खुद को शूट करने के लिए कहता है, लेकिन किर्वी उसे जान से ना मारकर उसके पैर पर शूट करके वहां से चली जाती है, जिससे ज़ॉम्बीज उसे नोच नोच कर खा सकें। फिर किर्वी ज़ॉम्बीज का सामना करते हुए आगे बढ़ती है और एक गैस स्टेशन में पहुंचती है जो पूरी तरह से खाली होता है। लेकिन जब वह मौजूद मॉल के अंदर पहुंचती है तो उसे गैस स्टेशन के वर्कर दिखाई देते हैं जो ज़ॉम्बी में बदल चुके थे, इसीलिए किर्वी उन्हें गन से शूट करके मार देती है। और क्योंकि अब वो ज़ॉम्बीज का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी, इसीलिए वो मैक्स को बचाने के लिए उसके ऑफिस में पहुंचती है, जहां पर उसे हेल्वी नाम की एक लेडी मिलती है जो किर्वी को बताती है कि बिल्डिंग की छत पर और भी कई सर्वाइवर हैं जो बचे हुए
हुए हैं, जिनमें से एक मैक्स भी होता है। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद बाकी लोग मैक्स से वहां से चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वो इस चीज़ के लिए मना करता है और कहता है कि हम यहां से कहीं नहीं जा सकते। तभी वहां पर किर्बी पहुंच जाती है, जिसे देखकर मैक्स बहुत खुश होता है। तभी ज़ॉम्बीज भी उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, इसीलिए किर्बी उन ज़ॉम्बीज का सामना करने के लिए सभी लोगों को अपने साथ लाई हुई गन देती है, जिससे वो सभी ज़ॉम्बीज का सामना कर सकें। फिर वो लोग उन सभी ज़ॉम्बीज का बहुत ही बहादुरी से सामना करते हैं, लेकिन उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही थी, इसीलिए वो सभी एक एक करके बिल्डिंग से नीचे कूद जाते हैं। लेकिन जब मैक्स कूदने वाला होता है तो उसे एक ज़ॉम्बी काट लेता है, जिससे वो भी इन्फेक्टेड होकर बदलने लगता है। हालांकि उसे इस तरह से देखकर किर्बी काफ़ी दुखी होती है और वह मौजूद सभी लोगों से कहती है कि हम इसके घाव को जलाकर इसे बचा सकते हैं, लेकिन वो सभी लोग कहते हैं कि अब इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है और उन दोनों को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। ये देखकर मैक्स किर्बी को भी वहां से जाने के लिए कहता है और समझाता है कि ये कोई अंत नहीं है, इसीलिए तुम्हें आगे बढ़ते रहना होगा। और क्योंकि अब किर्बी समझ चुकी थी कि मैक्स का बचना नामुमकिन है, इसीलिए वो मजबूरन उसे गन से शूट करके मार देती है। इसके बाद वो आगे बढ़ते हुए रास्ते में आने वाले सभी ज़ॉम्बीज को बहुत बेरहमी से मारती है। फिर उसे एक छोटा सा डॉग मिलता है, इसे देखकर वो काफ़ी खुश होती है और अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।